शहर के जालिया लिंक रोड पर नवनिर्माणाधीन राजकीय कन्या महाविद्यालय की चार दीवारी निर्माण में आ रही परेशानियों को लेकर बुधवार को प्रशासन की टीम उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह के नेतृत्व में निर्माण स्थल पर पहुंची। एसडीएम सिंह के साथ एसपी मनीष सिंह चौधरी, तहसीलदार मोहन सिंह राजावत तथा नगर परिषद के अतिक्रमण शाखा प्रभारी मोहिंद राय फुलवारी भी मौजूद थे। इस मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने महाविद्यालय की भूमि का नापचौप करते हुए भूमि का फिर से सीमा ज्ञान किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सिंह ने नगर परिषद प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को महाविद्यालय की भूमि की चार दीवारी के आसपास रहने वाले लोगों की जमीन का रिकॉर्ड तैयार कर शीघ्र ही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, ताकि उसके आधार पर एक एक्शन प्लान तैयार कर महाविद्यालय की चार दीवारी का निर्माण करवाया जा सके। मालूम हो कि राज्य सरकार की बजट घोषणा में ब्यावर शहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के अनुसार एसडी कॉलेज प्रशासन ने अपने अधीन 22 बीघा जमीन उक्त भवन के लिए सरेंडर करते हुए उसका नक्शा तैयार करवाकर महाविद्यालय भवन का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन इस दौरान खाली पड़ी भूमि पर कई लोगों सहित कई खानाबदोश लोगों ने इस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण भूमि की चार दीवारी निर्माण में परेशानियां शुरू हो गई। चार दीवारी के पास रहने वाले लोगों ने अपने अपने घरों के पिछवाड़े में गेट निकालकर आवागमन के लिए रास्ते की मांग करने लगे। इसको लेकर एसडी कॉलेज प्रशासन ने विगत दिनों चार दीवारी निर्माण में आ रही परेशानियों को देखते हुए एसडीएम मृदुल सिंह को इस बाबत एक शिकायत दी थी। उक्त शिकायत पर ही बुधवार को मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम ने मौका मुआयना किया। इस दौरान एसडी कॉलेज से प्राचार्य श्रीमती बिंदु तिवारी, प्रोफेसर लालुद्दीन काठात, अतुल शर्मा, हरीश गुजराती, चांदकरण सोनी, नरेश कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग से एसएस सलूजा, नगर परिषद सुरेश काठा, जुंजार सिंह तथा जयन साबिर खान, तहसील से गिरदावर प्रभु सिंह, कैलाश चंद छिपा, पांचू सिंह तथा निजामुद्दीन सहित अन्य उपस्थित थे। सीएम साहब की 2022 की बजट घोषणा में कन्या महाविद्यालय का प्रस्ताव और बजट पारित किया गया था, तो इसमें कॉलेज जो वर्किंग एजेंसी है कॉलेज, जहाँ पे इनको कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि ज़मीन पे कुछ लोग अवैध रूप से रुके हुए हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन थोड़ा इनकी ज़मीन पे आ गया है, तो उसके लिए मैं DYSP साहब, नगर परिषद आयुक्त और तहसीलदार एक बार मौका स्थिति का मुआयना करने आए थे। यहाँ पे हमने जो घर या जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन बाहर आए हुए हैं या जो अस्थाई तरीके से लोग बस्ती में रुके हैं, उनका मौका मुआयना किया। और अभी इसमें नगर परिषद द्वारा हमने एक सूची तैयार करने को बोली है, जो कि इल्लीगल तरीके से इस इलाके में रुके हैं, और उसी के बेसिस पे हम आगे का एक्शन प्लान बनाए। ब्यावर में बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में राजकीय कन्या महाविद्यालय की घोषणा की और हाथों हाथ 4.5 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया। उसकी अनुपालना में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर की जो 22 बीघा जमीन ये जो पीछे नज़र आ रही है, ये हमने सरेंडर की गर्ल्स कॉलेज के लिए, और उसका नक्शा पास होकर के तुरंत काम शुरू हो गया। लेकिन चूँकि लंबे समय से ये ज़मीन खाली पड़ी थी, तो लोगों ने, जो कॉलोनी वालों ने कच्चे और पक्के एनक्रोचमेंट कर लिए, कुछ खानाबदोश लोग भी आकर के इस पे बस गए, तो ये जब बाउंड्री का निर्माण की बात आई तो बार बार बाउंड्री रुक रही थी, इसलिए हमने प्रशासन से ये गुहार लगाई कि आप इसको जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि बाउंड्री का निर्माण हो सके। बिल्डिंग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन बाउंड्री का निर्माण नहीं हो पा रहा था। आज माननीय SDM साहब, डिप्टी साहब और तहसीलदार साहब और नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ आई और इन्होंने चिन्हित किए एनक्रोचमेंट जो आसपास की कॉलोनी वालों ने कर रखे थे, और अब विस्तृत रूप से एक सर्वे करके रिपोर्ट देने का नगर परिषद को पाबंद किया गया है। अब नगर परिषद की रिपोर्ट के आधार पर उनका उन जो अतिक्रमी है उनको चिन्हित करके हटाया जाएगा, और तब जाकर के बाउंड्री का निर्माण हो पाएगा।